आप सभी का माइंड पावर स्पोकन की क्लास में स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो है एप्लीकेशन, जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट की है। ये प्रत्येक साल पूछी जाती है और बहुत कम ऐसा चांस रहता है जो नहीं आती, जो कि 10th और 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको सही तरीके से लिखें और बोर्ड एग्ज़ाम में सही तरीके से क्वेश्चनों को, हर एक क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ें। तो मैं जो आज एप्लीकेशन सिखाने वाला हूँ, इन एप्लीकेशन को आप ध्यान से पढ़िए। मैं उम्मीद करता हूँ आप ध्यान से पढ़ेंगे। करते हैं बच्चों स्टार्ट एप्लीकेशन 10th और 12th के लिए। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ आपको 99% या 100% आपको मार्क्स यहाँ दिला सकती है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, टू के बाद आपको कामा लगाना है। मोस्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कामा लगाना, ठीक है ना। आप कामा लगाएंगे टू के बाद, और इसके बाद जो आपको लिखना है द प्रिंसिपल के बाद भी आपका कामा लगना चाहिए, क्योंकि कामा लगाना इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद जो आप लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो लिखेंगे आप किसी भी स्कूल का नाम, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, और इसके बाद कामा लगा दिया किसी भी स्कूल का नाम। काला पीपल मंडी MP, किसी भी सिटी का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद जो आपको लिखना है सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर SLC या TC, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रिस्पेक्टेड सर, इस तरीके से लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और इसके बाद आपको लिखना है आई बेग टू से डेट आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th A 12th A, और आगे क्या लिखना है ऑफ योर स्कूल माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, जो कहीं भी ट्रांसफर्ड आप हुआ है वहाँ पर आप लिख सकते हो ट्रांसफर्ड टू भोपाल, सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हीयर, सो काइंडली इशू मी द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इसको लिखना है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, नीचे थैंकिंग यू ओबीडेंटली योर ओबीडेंटली नेम, और इसके बाद जो आपकी आएगी क्लास और डेट भी आप नीचे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन को लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और अच्छे मार्क्स को आप प्राप्त करेंगे। कोई एप्लीकेशन को बड़ा लिखने की कोई वो नहीं होती कि ज़रूरत होती है, आप इसकी हेडिंग बाय हेडिंग लिखना इम्पोर्टेंट होता है। तो आप हेडिंग बाय हेडिंग लिखें और सही तरीके से स्पेलिंग को लिखें, इसमें करेक्ट होना चाहिए आपकी स्पेलिंग। तो मैं जीत आपका हमेशा सपोर्ट करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरीके से आप हर एक एग्ज़ाम में 10th हो या 12th, इस प्रकार आप लिखेंगे। और मुझे पता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फ्रेंड्स जो आपके दोस्त हो, मित्र हो, जो आपके भैया बहन हो छोटे, तो उन सभी को शेयर करें। क्योंकि मुझे पता है फ्रेंड्स कि हम अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, या कई बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, मैं भी उसी तरीके से निकला हूँ, तो मुझे पता है। तो उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का।